दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर अगर आप मनीषा रानी के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि घर के अंदर आज जो नॉमिनेशन टास्क हुआ था उसके चौथे राउंड के दौरान एक बार फिर से मनीषा रानी ने फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल फोर्थ राउंड में यहाँ पर मनीषा रानी ने अविनाश को नॉमिनेट करना चाहा और इसके साथ ही उसने अविनाश के बारे में और फलक के बारे में और पूजा भट्ट के बारे में जो बोला वो वाकई काफ़ी तारीफ़ काबिल है और घर का कोई भी कंटेस्टेंट इतनी हिम्मत तो कभी नहीं कर पाया। दरअसल दोस्तों यहाँ पर अविनाश के लिए रीजन देते हुए कहा कि जब मैं घर के अंदर आई थी तब मुझे लगा था कि ये बंदा बहुत दम रखता है, ये एक मर्द आदमी है और ये कुछ कमाल कर दिखाएगा। मैंने इसका प्रोमो देखा था, प्रोमो देखकर तो मेरे को बहुत तगड़ा बंदा लगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला ये तो कुछ नहीं है, फुस है, एकदम बकवास बंदा है, घटिया बंदा है, धोखेबाज है, दगाबाज है, इसको कुछ भी नहीं करना आता, केवल पीठ पीछे रहता है, सामने आकर नहीं खेलता है, सबसे डरपोक बंदा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर फलक को भी उसने लताड़ते हुए कह दिया कि ये भी लोगों को फॉलो करके उनके पीछे पीछे चलती है, इसका भी खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आज तो मनीषा रानी ने पूजा भट्ट को भी लपेटते हुए कह दिया कि यहाँ पर लोग मुझे छोटी बच्ची कहते हैं, लेकिन हम आज सबको कह दे रहे हैं कि हम छोटी बच्ची नहीं हैं, हम भले ही उम्र में छोटी है, साइज में छोटी है, लेकिन यहाँ घर के अंदर जो हमारे से बड़े बड़े हैं उनसे कई गुना ज़्यादा दिमाग रखते हैं, उनके जितना छोटा दिमाग नहीं है, हमारा दिमाग उनसे काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों ये सुनने के बाद तो यहाँ पर पूजा भट्ट का मुंह देखने लायक था, अविनाश का मुंह देखने लायक था और फलक मैडम तो रहा ही नहीं गया। फलक मैडम तो यहाँ पर नाराज सी हो गई थी और वो यहाँ पर मनीषा रानी को कहने लगी कि तुम तो पर्सनल अटैक कर रही हो, तुम लोगों पर आरोप लगाती हो कि वो पर्सनल अटैक करते हैं, अब तुम जो कर रही हो वो क्या है। लेकिन दोस्तों मनीषा रानी कहाँ किसी से डरने वाली थी, मनीषा रानी अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है भाई। उसने भी फलक को करारा जवाब देते हुए पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। फिलहाल दोस्तों आपको यह मनीषा रानी की तगड़ी वाली स्पीच कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप भी मनीषा के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।